हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस एंड टी। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड, और हमारे पास जो क्यू पी और आर क्यू है उसको प्रोड्यूस कर दिया गया। क्यू पी को प्रोड्यूस कर दिया गया कहाँ तक, एस तक, और क्यू आर है जो उसको प्रोड्यूस कर दिया गया टी पॉइंट तक। इफ़ एंगल एस पी आर, और एस पी आर एंगल कितना है 135, एंड पी क्यू टी कितना है 110। फाइंड एंगल पी आर क्यू, हमें क्या फाइंड करना है, पी आर क्यू ये एंगल हम फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास क्या है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, गिवन में हमारे पास क्या है, एंगल एस क्यू एस पी आर ये कितना दे रखा है 135 दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है एंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी ये आपको 110 दे रखा है। अब देखो एंगल पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर, ये जो हमारे पास एंगल है यहाँ पे जो एंगल बनेगा टोटल सम 180 आएगा, ये आपको गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 110 प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, इधर लेके आएंगे माइनस 110, 180 में से 110 जाएगा क्या आएगा 70 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आया 70 डिग्री। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक ये भी एंगल गिवन है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना आएगा 180 आएगा, लीनियर पेयर है, तो क्या लिख देंगे एंगल एस पी आर प्लस क्यू पी आर इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180, ये 135 प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180, एंगल क्यू पी आर कितना आ जाएगा 180 माइनस 135 कितना आएगा आपके पास 45, तो ये हमारे पास कितना आया 45 डिग्री। अब हमारे लिए बिल्कुल इजी है निकालना, ये एंगल निकालना है, तो एंगल एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो एंगल हमें पता चल गए। कैसे, ट्रायंगल पी क्यू आर प्लस आर पी क्यू प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू 180, 70 प्लस पी आर क्यू प्लस 45, 70 प्लस 45 दोनों को ऐड करके इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा एंगल पी आर क्या इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 45, इस 70 और 45 को हम ऐड कर लेंगे क्या आ जाएगा 180 माइनस 5 और 7 और 4 11, 180 में से 115 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 65, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का आया 65 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू क्या दे रखा है, इन फिगर एक फिगर है आपके पास एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, इफ y o ये हमारे पास फिगर है, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आपकी फिगर जो गिवन है, ये आपके पास फिगर दी हुई है, क्या दे रखा है इन फिगर एंगल एक्स है वो कितना दे रखा है 62 डिग्री दे रखा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये कितना है 54 दे रखा है। इफ़ वाई ओ, वाई ओ और जेड ओ जो उसको दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं और कहाँ मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई दोनों का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड कर रखा है ऑफ एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल का। फाइंड ओ जेड वाई, हमें क्या फाइंड करना है ओ जेड वाई यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है एक्स ओ जेड, एक्स ओ जेड हमें ये फाइंड करना है, सॉरी वाई ओ जेड, एक्स ओ जेड नहीं वाई ओ जेड, एक हमें ये फाइंड करना है, ये दो एंगल फाइंड करेंगे कि ये और ये एंगल। देखो कैसे फाइंड करेंगे, गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है एक्स 62 डिग्री दे रखा है और एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 54 डिग्री। अब ये एंगल आ गया तो थर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस करके इज इक्वल टू 180 कर देंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स जेड प्लस एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180, ये 54 है प्लस एक्स जेड वाई प्लस 62 दो एंगल्स लिख लिए इज इक्वल टू 180, इन दोनों को इधर लेके आए 180 माइनस 54 माइनस 62 एक्स जेड वाई कितना आ जाएगा आपके पास 64 डिग्री, तो ये हमारे पास टोटल कितना आया 64 डिग्री। अब इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 का हाफ यहाँ आ जाएगा, 64 का हाफ यहाँ आ जाएगा आपके पास। कैसे,
एंगल जो ओ जेड वाई है वो क्या है हमारे पास से, 1/2 ऑफ एंगल एक्स जेड वाई की, एक्स जेड वाई का हाफ कर दिया 1/2, 64 था, 2 से कैंसिल करके क्या आ जाएगा 32। इसी तरह ओ वाई जेड क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 54, कैंसिल कर देंगे 27, दोनों का हाफ क्या, एक का 27 एक का 32। और जो हमारे पास ट्रायंगल बनी, ऐसे आपके पास फिगर दे रखी है, यहाँ पे है एंगल, ये है ओ, तो ये जो ओ है ये आपके पास फिगर है, ये क्या आ गया आपके पास 27 आ गया और ये कितना आ गया 32 आ गया। अब इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे कि तीनों ट्रायंगल का सम क्या होना चाहिए 180। तो क्या कर देंगे, ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, एक 27 एक 32 आ गए, प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 27 माइनस 32, इसमें से दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 121। तो हमारे पास एंगल वाई ओ जेड क्या आया 121। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इन फिगर आपको एक फिगर दी हुई है ए बी पैरेलल टू डी ई, आपके पास ये फिगर है जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, डी ई के, एंड बी ए सी, बी ए सी ये कितना दे रखा है 35 डिग्री का, और सी डी ई ये दे रखा है 53 डिग्री का, हमें क्या फाइंड करना है डी सी ई, ये हमें एंगल फाइंड करना है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देखो गिवन में आपके पास क्या है, एक 35 दे रखा है, 53 दे रखा है, हमारे पास जो एंगल बी ए सी है, बी ए सी है इज इक्वल टू होगा किसके, सी ई डी के इज इक्वल टू में होगा, क्योंकि जो बी ए सी यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा, तो ये 35 है तो ये भी क्या होगा 35, तो ये हमारे पास क्या आया 35। फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 53 प्लस डी सी ई प्लस 35 इज इक्वल टू 180, डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 53 माइनस 35, डी सी इज इक्वल टू इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 92 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको, इन फिगर इफ एक फिगर दी हुई है पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, एक पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट एंगल पी आर टी, पी आर टी कितना दे रखा है 40 डिग्री, और आर पी टी, आर पी टी कितना है 95 डिग्री, एंड टी एस क्यू, टी एस क्यू 75 डिग्री, फाइंड एस क्यू टी, एस क्यू टी ये हमें फाइंड करना है कि ये कितने डिग्री का आएगा। देखो कैसे फाइंड करेंगे, गिवन दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री, और टी एस क्यू 75 डिग्री है। अब देखो इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 आएगा, तो क्या कर देंगे एंगल पी आर टी प्लस आर पी टी प्लस आर टी पी इज इक्वल टू 180, ये 40 दे रखा है प्लस 95 इज इक्वल टू पी टी आर इज इक्वल टू 180, पी टी आर को एज इट इज रख लिया, 140 और 95 को इधर लेके आए माइनस हो जाएंगे, 90 और 45 को ऐड कर दिया 135, 180 में से 135 माइनस करेंगे क्या आएगा 45 डिग्री। हमारे पास एंगल पी टी आर ये कितना आ गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो इसका इधर देखेंगे वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री। अब दो एंगल्स हमें पता चल गए, थर्ड फाइंड करेंगे, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 कर देंगे। नाउ इन ट्रायंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू ट्रायंगल में क्या है, एस टी क्यू प्लस टी क्यू एस प्लस टी एस क्यू इज इक्वल टू 180, ये 45 प्लस 75 इज प्लस एस क्यू टी इज इक्वल टू 180, एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 75 माइनस 45, और 75 45 को ऐड कर देंगे 180 में से माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 180 माइनस इनको प्लस करेंगे क्या आएगा 120, 180 में से 120 जाएगा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास जो एंगल है ये कितना आएगा 60 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, आपको एक फिगर दी हुई है और जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी एस पे, इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू वो पैरेलल है एस आर के, एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल दे रखा है आपको एस क्यू
आर ये कितना है 28 डिग्री है, और क्यू आर टी दे रखा है 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है कि ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि एक ट्रायंगल के दो जो हमारे पास इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो 65 में से 28 को माइनस कर देंगे, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। ये एंगल आ गया तो इसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा, अल्टरनेट आ जाएगा, ये एंगल मिल गया, ये 90 है। फिर दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, वाई आ जाएगा। कैसे देखो आपको गिवन में दे रखा है कि P क्या हुआ वो परपेंडिकुलर है PS पे, और P क्या हुआ पैरेलल टू SR है, S क्या हुआ 28 है और क्या हुआ RT 65 है। फिर मैंने बताया था कि P क्या हुआ इज इक्वल टू क्या हुआ RT, कैसे कि कोई भी दो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। क्या x प्लस 28 इज इक्वल टू 65, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 माइनस 28 कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। फिर हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, एक 37 आ गया और एक क्या है y इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 37 को करेंगे इधर ले आएंगे, 127 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 37, y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 53 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या दे रखा है देखो, इन फिगर द साइड्स, आपको एक फिगर दी हुई है, देखो ये फिगर है आपके पास, इन फिगर इन द फिगर क्यू आर, जो आपके पास एक साइड दे रखी है क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट एस, इसको प्रोड्यूस कर दिया एक पॉइंट एस तक। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड कर रखा है, इसका जो बाइसेक्टर है एंड पी आर एस, और जो पी आर एस उसका बाइसेक्टर है वो किस पॉइंट पर मिलते हैं, पॉइंट टी पर। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर मीन्स यहाँ जो एंगल बनेगा वो हाफ होगा किसके, एंगल क्या पी आर के, इसके हाफ होगा यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल एक्सटीरियर हमारे पास क्या आ जाएगा पी आर एस, कि पी आर एस इज इक्वल टू पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर आ जाएगा हमारे पास। एक्सटीरियर एंगल्स पी आर एस है हमारे पास, देखो पी आर एस है, ये जो है ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो क्या लिख देंगे पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, इन दोनों का सम इस बार वाले के इक्वल होगा, तो क्या लिख दिया एक्सटीरियर किसके इक्वल होगा पी आर एस प्लस इज इक्वल टू पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ले लिया तो हमने इसका हाफ कर दिया, पी आर एस का हाफ कर दिया, क्योंकि हाफ से ड्रॉ कर रखा है, बाई सेक्टर ड्रॉ कर रखा है, तो इसका हाफ आ जाएगा 1/2 एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू आर और 1/2 क्यू पी आर। अब पी आर एस का हाफ करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, पी आर एस इसका जब हमने हाफ कर दिया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी आर एस के इक्वल हो जाएगा, आ जाएगा ना कि ये जो था हमारे पास इस पूरे का मैंने हाफ कर दिया तो ये आ जाएगा टी आर एस। दूसरा क्या था, हाफ ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर इसका जब हमने हाफ ड्रॉ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा टी क्यू आर, ये इसके इक्वल हो जाएगा, प्लस इसको एज इट इज रख लिया टी आर एस इज इक्वल टू टी क्यू आर प्लस 1/2 क्यू टी आर इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमने क्या ले लिया, बट इन क्यू टी आर एक्सटीरियर एंगल जो है क्यू टी आर के अंदर लेके चल पड़े हम, जो हमारे पास एक दे रखी है क्यू टी आर, इसके अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है ये इस ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो क्या लिख देंगे इसको हम टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो यही हमने मेंशन कर रखा है एंगल टी आर एस इज इक्वल टू टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर इक्वेशन टू। देर फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ये दोनों है तो ये भी दोनों इक्वल लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे टी क्यू आर इज प्लस क्यू टी आर इज इक्वल टू टी क्यू आर प्लस 1/2 क्यू पी आर, इससे ये कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, की जो एंगल क्यू टी आर है, क्यू टी आर ये जो एंगल है वो क्या होगा क्यू पी आर, इस एंगल के हाफ के इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना था।
ये हमारा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज कंप्लीट और साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट। ओके, थैंक यू।